हाय गाइस, एक और पिकॉक का वीडियो आपके लिए। आप इस वीडियो में देखोगे, आपको सामने एक सरसों के खेत से लिए गए फांसे हैं, कुछ उनका गट्ठड़ है, यानी ईंधन के लिए काम आने वाली ये लकड़ी का एक गट्ठड़ है, तो जिस पे एक पिकॉक बैठा है। और हम देखेंगे पास में ही दो मादाएं हैं। ये दोनों मादाओं को देखकर ये जो पिकॉक है कितना उत्तेजित होगा और कैसे इनको अपने पास बुलाएगा, कैसे कॉलिंग करेगा, ये आप देखोगे इस वीडियो में। अब ये बार बार क्या करता है, कभी इससे नीचे आता है गट्ठड़ से, कभी इसके वापस ऊपर चढ़ जाता है। जब तक वो मादाओं का ध्यान इस पिकॉक की तरफ नहीं होगा या वो आकर्षित नहीं होंगी, अब देखो, अब ये उसको देखने शुरू कर दिया है। अब वो पिकॉक क्या करेगा, आप देखो, फिर से नीचे आएगा और अपना नृत्य चालू करेगा। क्योंकि पिकॉक के पास इस समय, क्योंकि अब प्रजनन के बाद में पंख गिराना शुरू ये कर ही देंगे, अब नीचे आएगा, फिर ये नृत्य करना शुरू करेगा और उसके बाद में वो मादा है इससे आकर्षित होंगे। अब देखिए, ये अब शुरू कर चुका है। वाह, अपनी जितनी कला है, 16 कला हैं या 14 कला हैं जितनी हैं, वैसे तो कृष्ण 16 विद्या निदान था और ये उसी का वंशज है। और इधर मादाएं अभी भी वहीं अपना चुगा चुगती हुई, लेकिन पिकॉक के पास ये सुंदरता, ये आकर्षण प्रकृति ने दिया है, जिसे देखकर ये मादाएं नहीं, इंसान भी इसको देखकर रुक जाता है, देखना शुरू कर देता है कितना सुंदर पक्षी है। और आप देखोगे हवा तेज चलती है ना, तब प्रजनन का टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी मादाओं को देखकर इस समय ये तेज़ हवा पर भी, इसकी पंख देखो इधर उधर हो रहे, तेज़ हवा पर भी ये नृत्य करना शुरू कर देते हैं।